हेलो दोस्तों, आरोही होम किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो छोटे बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है, सांभर। तो दोस्तों, आइए हम सांभर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने ये तुअर की दाल ली है और तुअर की दाल को अच्छे से धो लिया है। तो इसको कम से कम हमें 2 बार पानी में साफ करना है। तो पहले मैंने पानी डाला है, तो आप देखिए ये वाइट पानी कितना निकल रहा है। तो हमें ऐसे मसल मसल के ये दाल अच्छे से साफ़ करनी है बस। तो हम ये वाला पानी हटा देंगे इसका, और हम दूसरा पानी लेंगे, और दूसरा पानी लेंगे तो इसको भी हम हटा देंगे। और फिर ये पानी हटाने के बाद हम कम से कम 5-7 मिनट के लिए दाल को अच्छे से फूलने के लिए रख देंगे। जब दाल अच्छे से फूल जाएगी तो हम सारी सब्जियां काट लेंगे। तब तक तो बस मैंने प्याज, कैरी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, बैंगन और सोजना फली, आलू, लौकी, इन सारी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके काट लिया है। और दोस्तों, आपके किचन में जितनी सारी सब्जियां हो ना, आप सभी को काट सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको साफ़ करके ही सब्जियां काटें, क्योंकि आजकल सब्जियों को, कोई भी फल हो या सब्जी हो, इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको साफ़ करके ही काटें। और अब हमें क्या करना, कुकर रख दिया मैंने गैस पे, और बस सबसे पहले मैंने इसमें दाल डाल दी, और उसके बाद मैंने जो सारी सब्जियां काटी थी ना, तो हम एक एक करके सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाल दिया, उसके बाद हम साथ में ही डालेंगे बैंगन, और बैंगन के साथ ही साथ डालेंगे सोजना फली, और सोजना फली के साथ जाएगी प्याज, और प्याज के बाद हम कैरी डाल देंगे। कैरी से क्या है कि जो हमारी दाल का स्वाद है बहुत ही अलग निकल के आएगा। हमें अमचूर पाउडर से उतना स्वाद नहीं मिल पाता जितना कि स्वाद हमें कैरी से मिल जाता है। और अब साथ में जाएगी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के साथ ही साथ डाल देंगे हम गाजर। गाजर से भी एक अलग स्वाद आता है इसमें, सांभर में। इसमें तो क्या है, जितनी सारी सब्जियां आपके किचन में हो, आप थोड़ा कर करके सारी सब्जियों को डाल सकते हैं, उतना ही अच्छा सांभर बनेगा। तो बस अब मैंने टमाटर डाल दिया है, और साथ में ही डाल दी लौकी। बस दोस्तों, हम इसमें अब क्या करेंगे, कम से कम 3 गिलास के लगभग पानी डालेंगे, है ना। आप को ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। गाढ़ा तो करना ही नहीं है सांभर को बिल्कुल। अब मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितना इसको पतला या गाढ़ा करना है। तो बस दोस्तों, मैंने पानी डाल दिया है, उसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी, और अब हम साथ ही साथ में कलर के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, जिससे क्या है, हमारे सांभर का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बस मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दी। और दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, स्किप कर करके नहीं देखें। तो बस मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, और हम इसमें कम से कम 3 सीटी ले लेंगे। दोस्तों, क्या है, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं ना, तो कुछ निकल जाता है, तो आप फिर बनाते तो सही नहीं बनता, तो आपको ऐसा लगता है कि सही वीडियो नहीं बताया, है ना। तो बस हमने 3 सीटी लेने के बाद कुकर का ढक्कन खोल लिया है। तो आप देखिए कितना अच्छा सा सांभर देखिएगा आप, उबल गया है बहुत अच्छे से। बस अब हम इसमें सांभर मसाला डाल देंगे। तो जो बड़ी चम्मच आती है ना, जो उस चम्मच से मैंने 1 चम्मच डाल दिया, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, मीडियम साइज वाली, तो उससे मैंने 1 चम्मच के लगभग डाल दिया सांभर मसाला। अब हम इसको बहुत अच्छे से ऐसे इस तरीके से मिलाएंगे, और हम क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से इससे ना मसलेंगे इस तरीके से। तो ये सारी सब्जियां इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और मसल जाएंगी। तो दोस्तों, हमने इसको कुछ सेकंडों के लिए अच्छे से मसला, और अब हम देखो इसको कितने अच्छे से ये
मसल गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें तड़का लगाएंगे। तो बस मैंने कढ़ाई में तेल डाला 2 बड़ी चम्मच के लगभग, और अब हम राई और जीरा दोनों एक साथ डाल देंगे। देखिए आप, राई की क्वांटिटी थोड़ी हमें ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि सांभर हुआ या कुछ भी तो इनमें राई थोड़ी ज़्यादा ही डलती है। तो राई और जीरा और साथ में 2 तेज़ पत्ते डाल दिए मैंने, और अब डाल देंगे हम कम से कम 3 से 4 काली मिर्च और 2-3 लौंग। तो इन सबको डालेंगे, और साथ में ही जाएगी हमारी 2 खड़ी हुई लाल मिर्ची, जो लाल मिर्च आती है ना खड़ी वाली, उसको डाल देंगे, और 8 से 10 कड़ी पत्ता जो मीठी नीम होती है। बस अब इन सबको अच्छे से भुनने देंगे। उसके बाद डाल देंगे प्याज, और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें सांभर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा सांभर देखिए कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब हम इसको कम से कम 2 मिनट के लिए और गैस पे रख देंगे, जिससे कि इसमें एक खोल आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमारा सांभर बनके रेडी हो गया है। और आप हमारे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो प्लीज़ बताना। थैंक यू फॉर वॉच।